बात करते हैं बिहार की, जहां पर कल पांचवें चरण का चुनाव हुआ और उसके बाद बवाल भी हो गया। बिहार के सारण में कल वोट डाले गए और वोटिंग के बाद छपरा में भारी तनाव का माहौल है। बिहार के छपरा में चुनावी हिंसा की वजह से तनाव का माहौल, फायरिंग में एक व्यक्ति की जान चली गई, दो लोग घायल हैं। छपरा में बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आपस में भिड़े और भारी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर तैनात। तो छपरा में बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच खूनी झड़प हुई है, कई राउंड की गोलियां वहां पर चली और इस फायरिंग में एक आदमी की जान चली गई, दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। कल वोटिंग के दौरान भी एक बूथ पर आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के पहुंचने के बाद हंगामा हुआ था। बीजेपी और आरजेडी दोनों तरफ से एक दूसरे पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है और कल वहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी। तो देखिए, बेहद गंभीर स्थिति बिहार के छपरा में, जहां चुनावी हिंसा की वजह से तनाव का आलम है। एक व्यक्ति की इस गोलीबारी में जान चली गई है, दो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बीते कल वहां पर पत्थरबाजी हुई थी। आइए छपरा से संवाददाता आर्यन आनंद के पास आपको लेकर चलेंगे और आशुतोष नाथ हमारे साथ कनेक्ट है, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले आशुतोष, वहां की स्थिति अभी ताजा फिलहाल क्या है? क्या अभी भी तनाव की स्थिति है वहां पर? क्या अभी भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्या देख पा रहे हैं आशुतोष? देखिए, अभी जो तनाव की स्थिति थी उसको नियंत्रित कर लिया गया है। जिलाधिकारी अमन समीर और एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने तमाम स्थिति को शांत किया लाया है। देखिए, ये पूरा इलाका शांत है, आपको हम दिखाने की ये कोशिश करेंगे। पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, पूरे इलाके को शांत करा लिया गया है। ये पूरा इलाका नियंत्रित है, डीएमएसपी लगातार कैंप कर रहे हैं और आप देखेंगे कि डीएमएसपी लगातार कैंप कर रहे हैं, उन्होंने पूरी स्थिति को नियंत्रित किया है। और आप देखिए, फोर्स पूरी डिप्यूट है यहाँ और पूरे तरह से सेंट्रल जो फोर्सेज है उनको उतारा गया है। और हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है पुलिस बल जो है परेड कराई जा रही है पुलिस की। और देखिए, आप हमारे बाएं तरफ आप देखेंगे तो पूरे तरीके से पुलिस छावनी में इन पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। डीएमएसपी लगातार इस पूरे घटनास्थल पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और तनाव की जो स्थिति थी उसे नियंत्रित किया गया है। पैरामिलिट्री सेंट्रल फोर्सेज जो है वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ बनी हुई है, कैंप कर रही है। धीरे धीरे सुचारू रूप से गाड़ियों का परिचालन भी शुरू कराया जा रहा है। हम आपको इधर ये दिखाने की कोशिश करेंगे, गाड़ियों का परिचालन धीरे धीरे शुरू कराने की कोशिश लगातार की जा रही है और स्थिति जो तनावपूर्ण बनी थी अब जाकर धीरे धीरे स्थिति जो है नियंत्रित हो रही है। डीएम और एसपी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और घटनास्थल पर लगातार बने हुए हैं और लगातार मामले को शांत कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सेंट्रल फोर्सेज को बड़े पैमाने पर यहाँ हजारों की संख्या में सेंट्रल फोर्सेज उतार दिए गए हैं। जी ठीक है आशुतोष, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आर्यन आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। छपरा में हिंसा के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। बीजेपी के नेता रमाकांत सोलंकी को हिरासत में ले लिया गया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के नेता रमाकांत सोलंकी को हिरासत में लिया गया है, तो इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई है, दो लोग जख्मी हैं। आर्यन आनंद के पास आपको लेकर चल रहे हैं। आर्यन, सबसे बड़ा सवाल इस घटना के बाद से यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, और इस बीच एक बड़ा एक्शन, रमाकांत सोलंकी को हिरासत में लिया गया है, और कहां तक इस पूरे मामले की कार्रवाई पहुंची है आर्यन? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से एक बूथ कैप्चरिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो बनाकर राजद के जो प्रत्याशी थी लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य उनके ऊपर लगा रहे थे, जिसके बाद उस वीडियो को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई और बाद में एक जो झड़प थी वो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई, जहां जमकर पत्थरबाजी भी की गई। उस दौरान भी प्रशासन ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया, लेकिन आज जो घटना हुई ये बड़ी घटना है, जहां दोनों ही गुटों के बीच एक बार फिर झड़प देखी गई और झड़प के बाद कई राउंड जो गोलियाँ हैं वो चली और एक व्यक्ति की जानी निश्चित तौर पर बताता है कि बड़ी घटना है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त हम भिखारी ठाकुर चौक पर मौजूद हैं जहां पर यह घटना हुई थी और देखिए इस पूरे इलाके को छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ बिहार पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में
बीएमपी और जो बिहार पुलिस है उनके द्वारा जो है मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तीन ये चौराहा है और चौराहे पर सारे तरफ जो प्रशासन के बल हैं वो उतारे गए हैं और अब धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं इस सड़क पर वो शुरू हुई है। गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब धीरे धीरे तमाम जो गाड़ियां हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। एक कह सकते बड़ी घटना थी कल जो तस्वीरें निकली जिस तरीके से रोड़ेबाजी किए गए, पत्थर फेंका गया और उस दौरान जब प्रशासन पहुंचा तो पूरे मामले को शांत कराया गया। लेकिन आज जब सुबह से ये जो माहौल यहाँ देखा गया उस माहौल के बीच लोग अपनी जान बचाकर भी भाग रहे थे और अब जब प्रशासन पहुंची है तो कैसे पूरे मामले को शांत किया जाए, अब जो माहौल है वो शांत दिख रहा है। प्रशासन ने बहुत हद तक माहौल को शांत कराया है। जो गतिविधियां यहाँ पर यानी कि कुल मिलाकर स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये बहुत गंभीर स्थिति है। आर्यन आशुतोष आप दोनों मेरे साथ रहिए। देखिए इस पूरी घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोपों का दौर भी चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि हिंसा के पीछे आरजेडी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में घटना जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ बात करने के लिए है वरिष्ठ मंत्री बीजेपी नेता नितिन नवीन। ये बताइए कि ये जो बताया जा रहा है कि बीजेपी के लोग जो हैं वो हमला कर दिए और वहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए बहुत स्पष्ट है इस तरह का खेल कौन खेलता है या पूरे बिहार की जनता को पता है। कल किस प्रकार का तांडव किया जा रहा था छपरा में वो आप लोगों ने भी देखा होगा। कैसे विधायक को बूथ के अंदर ले जाकर कहीं ना कहीं दबंगई करने का प्रयास किया गया। कल जितनी घटनाएं घटने का प्रयास किया गया कई जगह पे उसमें कौन लोग शामिल थे वो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और निश्चिंत रहिए कोई को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो 2005 के पुराने संस्कृति लाने का प्रयास किया जा रहा है जो बिहार में, न बिहार की जनता होने देगी और न भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन होने देगा। जिस प्रकार से लगातार फिर से राजद संस्कृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से बूथ कब्जा और बूथ पे दबंगई से चुनाव जीतेंगे तो अब वो पुराना वाला बिहार नहीं है। इस मामले में बताया जा रहा है कि जो हिरासत में लिए गए हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यह कार्रवाई अगर होगी तो सब पे होगी, ये कहीं दो, लेकिन जो लोग इसको करवा रहे हैं वो सब स्पष्ट है। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये आपको भी पता है और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जिन तत्वों ने इस पूरे खेल को खेला है उनको मालूम है कि कैसे ये इसके तार पकड़ में आएंगे। ये जो नेटवर्क खेलने का प्रयास किया गया है, ये संस्कृति किसकी रही है? भाजपा संस्कृति रही है क्या बूथों को कब्जा करने की? भाजपा ने गोली बम का खेल खेला है क्या 2005 के पहले? 2005 के पहले का जो खेल लालू परिवार के लोगों ने पहले भी खेला है, राजद संस्कृति ने पहले भी खेला है और आज भी छपरा में फिर से उसी माहौल को बनाने का प्रयास किया गया जिसको निश्चित रूप से भाजपा और भाजपा का एनडीए गठबंधन पूरी तरह से विरोध करेगा इसका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।